कारून के हाथ है। चलो नोटिफिकेशन इशू कर रहा हूं मैं, फिर अपन शुरू करते हैं क्लास को। चालू हो गई। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अपन रखेंगे टेस्ट। क्या चीज? हाँ इस संडे को रखना है। एक बार पर रीड करना है ना पूरा। अपन एक वीक का रखते हैं अभी, आन दो और भी स्टूडेंट्स को, फिर अपन डिस्कस करते हैं। क्योंकि संडे को मैं किसी आदमी को सुबह तो कभी नहीं आ सकता। ऐसा? चलो यार स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज तो मैंगो फ्लावरिंग। मैंगो फ्लावरिंग किसको कहते हैं? खेत। हाँ। और मैंगो शावर किसको कहते हैं? अरे मैंगो शावर तो उसको बोल रही थी। क्या? अच्छा बारिश, बारिश वाले को? नहीं, बारिश से वो पहले वो जो फ्लावर्स आते हैं। हाँ अच्छा, ये वो बारिश से पहले वाला जो वो रहता है टाइम पीरियड, उसको भी मैंगो शावर कहते हैं। राइट, दिखते हैं। हाँ दिखते तो रहते हैं। अब अभी देखो लैंड सब्सिडेंस क्या होता है। लैंड सब्सिडेंस भूस्खलन क्या होता है? ये ब्लॉक फटनी जाती, धंसने लगती है ये। इसको फोटो को देख के बोल रहे हो जमीन फट जाती है। फटती नहीं, धंसने लगती है। किसे? हाँ ब्लॉक माउंटेन। बट ये चीज अलग है, ब्लॉक माउंटेन की चीज अलग है। बट हाँ कॉन्सेप्ट वही सेम ही लगता है, क्योंकि नीचे वाला लेयर जो होता है हाँ धस जाता है। ठीक है, अब लैंडस्लाइड। फिर इसके अलावा एक हम लोग को जतारा देखने को मिल रहा है, समका सर लामा जतारा। तो ये एक फेस्टिवल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कुंभ मेला होता है ना उसके बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। फिर एक बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है जिसमें बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ कानून के थ्रू रूल्स बनाए जाते हैं। मतलब पहले तो एक कानून बन गया, फिर अलग से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको कानून की बैकिंग जो है वो दे दी जाती है। एक मिनट। हेलो हेलो, यस जी, गुड आफ्टरनून। नहीं मैम, मैं अभी 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 क्लास में हूँ मैम, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ अभी क्लास में। हाँ तो देखो कई बार ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? हाँ क्या? नहीं मैं तो सभी को मैम बोलता हूँ। आप लोग को भी मैं जब सिलेक्शन होगा तो मैं बोलूंगा कि मैम बताइए, है ना। तो सुनो अभी तो मैं क्या बोल रहा था कि ये देखो कई बार कानून होते हैं, ठीक है, कानून जो भी बनते हैं तो वो तो सभी को फॉलो जो है वो करना पड़ता है। बट आपने देखा वो कानून के अलावा भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो क्रिएट होते हैं जिसको कानून की पैकिंग दी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि आप रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो सब्स्टिट्यूट मत बनाओ। मतलब वो कानून का जो है वो मतलब ये मान के चलो कि वो एडिशनल हो सकते हैं बट कानून को रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन कानून को रिप्लेस नहीं करेगा। कानून जो है वो पत्थर की लकीर है काइंड ऑफ, और रूल्स रेगुलेशंस किसी अथॉरिटी ने बनाए होंगे, राइट। तो कानून जो होगा वो बेसिकली मान्य होगा और रूल्स रेगुलेशंस जो है वो रिप्लेस कानून कभी नहीं कर सकता। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस यही बस बेसिक सा फैक्ट जिसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताओ जरा कि स्टेट्स के बीच में जो भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, कैसे इंडिया के अंदर रिजॉल्व होता है? कैसे? हाउ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स आर रिजॉल्व इन इंडिया? आपस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, कौन रिजॉल्व करता है? कौन बताएगा भाई? ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशरी का टॉपिक नहीं पढ़ा पॉलिटी के अंदर? जुडिशरी में क्या लिखवाया था कि स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको जुडिशरी रिजॉल्व करती है, याद आ रहा है कुछ? तो अब ध्यान में रखो कि स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको जुडिशरी रिजॉल्व करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर स्टेट काउंसिल्स बनते हैं कि आपस में किसी के बीच में डिस्प्यूट है तो वो बैठ जाए और फिर वो रिजॉल्व करें। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बन जाती है, जैसे होता है ना कि पानी का विवाद आपस में स्टेट के बीच में पानी के
नदी के पानी को लेकर विवाद हो रहा है, राइट, तो उसके लिए एक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, राइट, तो इस तरीके से होता है ये। ऑलराइट, तो ये बस बहुत बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब एक बताया गया कि इंडिया जो है वो कैसे एप्पल, गूगल, फिजर जैसी कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब हम कैसे इतने बड़े बन सकते हैं, तो उसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई है एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग देखेंगे। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेब टेलीस्कोप का, जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये, राइट, पिछले साल लॉन्च किया गया था। फिर प्लास्टिक वेस्ट, हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उन्होंने बोला कि कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट है जिसको हम लोग कवर करेंगे। फिर आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आज अभी आप पढ़ रहे हो। चलो भैया, लेट स्टार्ट विद द टॉपिक मैंगो फ्लावरिंग। सिंस डिसंबर, सिंस लास्ट थर्ड वीक ऑफ डिसंबर, तेलंगाना और ओडिशा के अंदर बताया जा रहा है कि एक महीने पहले ही फ्लावरिंग होना शुरू हो गई। क्यों? अभी ठंड का समय चल रहा है और मैंगो फ्लावरिंग जो है वो जनरली गर्मी के पीरियड में हम लोग को देखने को मिलती है, या बारिश से पहले के पीरियड में देखने को मिलती है, तो ये पहले से क्यों शुरू हो गई? क्लाइमेट चेंज इज द आंसर। आपको बता रहा है क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और रेनफॉल भी जो है वो प्रॉपर तरीके से, कहीं पर रेनफॉल हो रही है कहीं पर नहीं हो रही, राइट, तो उस कारण से देखो ये प्लांट की प्रजातियां जो है वो अफेक्ट हो रही है, राइट, इनका जो नेचुरल जो टाइम जो हम लोग को देखने को मिलता है फ्लावरिंग का, वो डिस्टर्ब हो गया, वो चेंज हो गया, डिस्टर्ब बोलो या चेंज बोलो, वो चेंज हो गया। तो देखो लिखा हुआ है अनसीजनल रेनफॉल एंड अ वार्मर देन नॉर्मल विंटर। भाई अभी भोपाल में तो अभी हमारे यहाँ पे ठंडी अभी अभी बढ़ी है, दो तीन दिन से ही बस थोड़ी ठंड लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि यार स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट पहन लो, बट फिर भी थोड़ी देर के बाद घबराहट होने लगती है, राइट, जैकेट वैकेट भी पहनो तो, बट मॉर्निंग में तो खतरनाक रहती है यार, आजकल तो हालत खराब है मॉर्निंग में। मैं उसी दिन कल परसों ही निकला था, मैंने कहा बाप रे। तो देखो मैंगो शावर जो है वो क्या होता है, तो प्री मॉनसून रेनफॉल को मैंगो शावर कहते हैं, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर मैंगो शावर जो है वो कब होता है, जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर भवंडर, थंडर स्ट्रॉम वगैरह जो हम लोग को, तूफान जो हम लोग को देखने को मिलता है, जब वो डेवलप होता है तो इंडिया के अंदर मैंगो शावर होता है। इसे काल बैसाखी भी कहते हैं बंगाल के अंदर, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। और आसाम के अंदर इसको बोर्दोई सीला भी जो है वो कहते हैं, और चेरी ब्लॉसम शावर्स या फिर कॉफी शावर भी इसको कर्नाटक के अंदर कहा जाता है। तो ऐसे चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताओ काल बैसाखी जो है वो कहाँ पर कहते हैं, बंगाल के अंदर, राइट, और जैसे बोला जाए कि कॉफी शावर कहाँ पर कहते हैं, कर्नाटक में, राइट, तो इस तरीके से चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, बस इतनी सी चीज बस इसमें ध्यान में रखनी है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ठंड हो गई यार, पता नहीं मेरे पेट क्यों दुख रहा है सुबह से, भगवान जाने क्या हो गया, वेट लॉस संकेत दे रहा है कि कम खा, नहीं मैंने आज कम ही खाया यार, मैंने आज खाना खाया ही नहीं है, इसको बस खाना ही दिखता है हर जगह, फिर भी शरीर नहीं बनता, पता नहीं यार मॉर्निंग से ही सर भी दुख रहा है पेट भी, पता नहीं क्यों। यहाँ 4 डिग्री है सर, 4 डिग्री, बाप रे, कौन सी स्टेट में हो, उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में हो आप, अपने यहाँ कितना सुबह था 6 डिग्री है ना, 6-7 डिग्री था सुबह, कितना कल 8 डिग्री था, कल 8 डिग्री बोल सकता, कल 8 डिग्री था। सो यूके में ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड लैंड सब्सिडेंस यूके में भी, एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम में भी इतना ही है, 4-5 डिग्री सेल्सियस है अभी, मेरा भाई जाने वाला है ना अभी इसी, अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हो, पहले तो दिसंबर में बहुत उससे ज्यादा ठंड रहती थी, अभी तो हाँ वो अभी इसलिए क्योंकि पहले क्या दिवाली से ही धीरे 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 लगने लगती थी और फिर अपन स्वेटर वेटर पहनने लगते थे, अडॉप्ट हो गया था, अभी एकदम से फटाका फूट गया। हाँ मैं भी महाकाल गया था 1 तारीख को, तब वहां से लौट रहा था तो रात में पूरे कोहरे जो है वो जम रहे थे, मतलब होता है ना, हाँ हाँ मतलब वो 1 तारीख से ही बढ़ी है ना, हाँ 1 तारीख बहुत लगी थी, हाँ हाँ बहुत स्थिति खराब रहती है। चलो आ जाओ, लैंड सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, जमीन का धसना, सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जमीन धसती क्यों है,
बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट. आप प्रॉपर जमीन के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, राइट. आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब वो उस जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो उतना सॉलिड है ही नहीं कि वो ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन को झेल जाए, तो जमीन धस जाती है, राइट. तो आप, और इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो आप प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा, रोड्स वगैरह भी जो है वो खराब होने लगती है. जैसे जनरली हम लोग देखते हैं ना कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, रोड बह जाती है, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि रोड बह गई. तो ये जमीन धंसने को जो है वो लैंड सबसिडेंस जो है वो कहा जाता है. ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सुनो, किसमें काफी सारे लोग नहीं करते ना, लाइक जैसे ये जो क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तराखंड क्षेत्र की बात हो रही है, हिली एरियाज की बात हो रही है, राइट. तो आप पहाड़ में क्या क्या चेक करोगे? अब एक पहाड़ है, राइट, प्रॉपर. अब देखो आजकल तो डिवाइस हो गई है चेक वगैरह करने की, बट समटाइम्स पीपल डोंट चेक. अब रिजॉर्ट वगैरह ओपन हो गया वहां पर, जैसे होता है ना इलीगल, कई बार लोग जो है वो अतिक्रमण वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पान शॉप वाले या उस तरीके से, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे करके जो है वो अपनी ठेले वगैरह लगा लिए या अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट कर दिया उस जगह पे, तो धसेगी कि नहीं धसेगी? धसेगी डेफिनेटली. तो अभी जो बात हो रही है वो जोशी मठ की बात हो रही है. तो जोशी मठ एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्षेत्र है, ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है उत्तराखंड में. तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है जोशी मठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में. अच्छा, उत्तराखंड में कौन सा चार धाम हम लोग को उत्तराखंड में देखने को मिलता है ना? केदारनाथ. तो आपको जब केदारनाथ जाना है तो आपको जोशी मठ से होते हुए जो है वो केदारनाथ गुजरना रहता है. तो ये गेटवे है केदारनाथ का, जोशी मठ. और बताया जा रहा है कि बहुत डिकेड से, मतलब काफी दशकों से ये धस रहा है, राइट. एक्सपर्ट्स ने अब कंफर्म कर दिया है कि डिफेक्ट्स हम लोग को जोशी मठ में देखने को मिल रहा है, और ये लैंड सब्सिस्टेंस के कारण हम लोग को नजर आ रहा है, राइट. और ये किसके कारण जो है वो पिछले दो सालों में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी बताया गया कि घरों में लोगों के क्रैक्स आना शुरू हो गए, क्रैक होने लगे लोगों के घर, राइट. तो ये सब चीजें लोग बाग क्यों नहीं होते? अब आप देखो सिंपल सी चीज, एक जमीन है, ठीक है, उसके नीचे वाला एरिया जो है वो धसा, राइट. तो ऊपर वाला एरिया ऑटोमेटिकली जो है धसेगा. तो जब ऊपर वाला एरिया धसेगा तो ये जो लाइन है, मतलब जो ऊपर सरफेस वाला एरिया, उसमें क्रैक पड़ेगी, और उसी के पास में अगर घर होगा तो दीवार में क्रैक नहीं आ जाएगी, क्योंकि एक प्रकार का वाइब्रेशन, देखो आप, इट्स अ सिंपल वाइब्रेशन, जैसे अर्थक्वेक आता है. तो वो क्या हुआ, वो धसा. जैसे ही वो धसेगा तो गैप क्रिएट हुआ. अब गैप क्रिएट होगा तो वो पूरे गैप को जो है वो क्रैक करता हुआ जो है वो ले जाएगा. तो इस कारण से घर में भी क्रैक्स आ जाते हैं. इवन क्रैक्स को घर के अंदर पेड़ों के कारण आ जाते हैं, बरगद का पेड़ उसकी जड़ों के कारण घरों के अंदर क्रैक आ जाते हैं, है कि नहीं? टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट भी होता है, बिल्कुल सही जवाब है जी. यहां तो दुनिया भर का होता है. हाँ, दुनिया, हाँ, उत्तराखंड, उन्होंने उत्तराखंड पीएससी प्रीलिम्स निकाला हुआ है, अभी मेंस की तैयारी कर रही है वो. सो ये देखो, ये है अनुराधा जी, ये है अनुराधा जी. बस अपन को भी जल्दी निकालना है फटाफट. वैसे तो उनका टारगेट यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज. चलो, कौन अब वो निकालेंगे ना मेंस भी, ऐसा क्यों बोल रहे हो मेंस क्यों नहीं निकाल पाते, निकालेंगे मेंस. अब सुनो, सो रीजन जो है वो जोशीमठ पे लैंडस्लाइड की हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो टेक्टोनिक डिसकंटिन्यूटीज हिमालय के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, प्लेट्स, काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट. फिर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, ह्यूमन का प्रेशर, जैसे कि रोड बना दिया, हैवी टूरिज्म कर दिया, डैम्स बना दिए, राइट. तो जितनी कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा वहां पर लोग इन्वॉल्व हो गए, राइट. तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है. अब जोशी मठ की बात करें तो जैसे हमने बात करी कि जोशी मठ एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस हम लोग को देखने को मिलती है. नेशनल हाईवे 7 पर है बद्रीनाथ, सॉरी बद्रीनाथ का जो है वो गेटवे, केदारनाथ ही बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का गेटवे, डोरवे आप कह सकते हो. और हेमकुंड साहिब भी हम लोग को एक सिख श्राइन जो है वो देखने को मिलता है, उसका भी ये गेटवे हम लोग को नजर आता है. और यहीं पर ही एक आपको पिक्चर्स क्यू वैली ऑफ फ्लावर्स भी जो है वो नजर आएगी, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और एक ओली करके भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो यहीं पर ही है, राइट. और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर के भी नजदीक है जोशी मठ. फिर लैंड सब्सिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, धरती का धस जाना. तो ग्रेजुअल सेटलिंग और सडन सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब सरफेस अर्थ मटेरियल. तो धरती के सरफेस के नीचे का जो मटेरियल है वो अगर वहां से हट जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तब ऊपर वाला एरिया जो है वो धसेगा. तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं लैंड सब्सिडेंस. क्लियर? अब देखो, एक हम लोग फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे, समका सरलाम्मा जतारा.
तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो तेलंगाना आपको ध्यान रखना है क्या कि तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, पहला पॉइंट। और सिर्फ दूसरा पॉइंट कि ये बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया के अंदर और सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, सेकेंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेले के बाद। तो ये फैक्ट बस आपको छोटा सा बस यही ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है अननेसेसरली लेंथी टॉपिक है, किसी काम का नहीं है, बट मैं आपको इसका सार बता देता हूँ। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है कि जो कानून है आप उसको किसी रूल से रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब कानून रिप्लेस नहीं होगा। और आप जैसे होता है ना कि कई बार अथॉरिटी ने रूल्स बना दिए, राइट, तो रूल्स को कानून की बैकिंग है, राइट, जैसे लेट सपोज कि रूल्स को कानून की बैकिंग है, अब आपने कानून हटाकर रूल्स को सिर्फ रख दिया या फिर कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो रूल्स नहीं माना जाएगा, मेनली प्रायोरिटी जो मानी जाएगी वो कानून की मानी जाएगी, क्योंकि कानून जो होता है वो पत्थर की लकीर होता है, राइट, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और रूल्स रेगुलेशन होता है वो आप कह सकते हो कि नॉन इलेक्टेड पर्सन, यानी कि आप लोग ब्यूरोक्रेट्स रूल्स रेगुलेशन बना दोगे, राइट, बट कानून जो होगा वो कौन बनाएगा, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, एमपी एमएलए, है ना। तो ये चीज है, तो अपन देख लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये चीज कही कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसमें रूल्स रेगुलेशन आता है जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनैक्ट करती है, लागू करती है, तो ये होना चाहिए सप्लीमेंट रेदर देन रिप्लेस, मतलब इट शुड बी सप्लीमेंट, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं करना है। बैकग्राउंड की बात करें तो एक अपील जो है वो फाइल की गई थी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और ये स्टेट हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट, तो वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फालतू है ये काम करिए। हम लोग को ये चीज समझ आ गई कि आज की डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो मेन जो कानून है वो इंपॉर्टेंट है और बाकी रूल्स रेगुलेशन जो है वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट का काम करेंगे, वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे रूल्स रेगुलेशन को। बस एक बस ये चीज आपको थोड़ी सी, आर्टिकल 312 आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड आर्टिकल 312 ध्यान में रखना कि आर्टिकल 312 से रिलेटेड राज्यसभा जो है वो एक और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन सी सर्विस आती है, ऑल इंडिया सर्विस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, बताओ बताइए भैया महक जी बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, ऑल इंडिया सर्विस में कौन सी सर्विस आती है, आईएएस, यस, आईपीएस, ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं आती, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है तीन, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। तो इसके अलावा भी कोई और भी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है राज्यसभा आर्टिकल 312 के थ्रू, क्लियर। तो बस यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें और कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डिस्प्यूट जो है वो स्टेट्स के बीच में कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, हाउ आर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स रिजॉल्व इन इंडिया, बताइए। हाँ तो बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट करती है, और हाँ तो सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी में आ गई, और कौन कर सकता है, एग्जैक्टली इंटर स्टेट काउंसिल कर सकते हैं, है ना, आपस में स्टेट से मिलकर एक काउंसिल बना लिया, और अगर जैसे स्पेसिफिक कोई मुद्दा है पानी से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो वो स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बना देंगे, मतलब एक स्पेसिफिक कोर्ट बना देंगे कि आप रिजोल्व कर लो केस को। तो ये चीज बस सिंपल सा टॉपिक है। सो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोग को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में देखने को मिल रहा है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बेलगावी, करवार, निपानी, ये नॉर्दर्न कर्नाटक में एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में इन क्षेत्रों को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। ये बेलगावी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, राइट, तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। बहुत सारे अटेम्प्ट जो है वो किए गए रिजोल्व करने के लिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट को, कि दोनों ही साइड से कॉपरेशन हो, राइट, और डिस्प्यूट जो है वो रिजोल्व किए जाए, एंड दिस वॉज फॉलोड बाय पार्लियामेंट ब्रिंगिंग अ लॉ टू ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज। तो पार्लियामेंट भी सामने आई, इन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1968 लेकर आई, हरियाणा उत्तर प्रदेश ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1979 लेकर आई डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब कौन से सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से मेथड्स हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, एक तो जुडिशियल रिट्रेसल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपस में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो रिजॉल्व किया जाती है, लिखवाया था मैंने पॉलिटी क्लास में, और फिर यूनियन और किसी भी स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो रिजॉल्व किए जाते हैं, या आपस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो वो रिजॉल्व किए जाते हैं, कौन कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है।
फिर इंटर स्टेट काउंसिल जो है बना दिए जाते हैं, जहां पर ये लोग बैठकर डिस्कशन करते हैं। बस ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर डिस्प्यूट की जो है वो बात करें, तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू क्या हुआ था बताइए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू क्या हुआ था, हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स को बनाया गया था। अब से याद रखना है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हमारी कंट्री में स्टेट्स को बनाया गया। देखो पहले क्या था, हमारा देश आजाद हुआ तब डिमांड ये चल रही थी कि यार सभी लोग अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें लैंग्वेज के आधार पर जो है वो दे दो, स्टेट सेपरेट स्टेट दे दो। तो फैजल कमीशन बनी, बहुत सारी कमीशन बनी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर। फिर हुआ ये, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले कमिटमेंट कर दिया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वो, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, हम आपको एक अलग सेपरेट टेरिटरी दे देंगे। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए और दंगे हुए, सो नेहरू जी और जो INC के जो लीडर्स थे वो डिस्टर्ब हुए। उनको लगा कि नहीं यार, अपन सेपरेट करेंगे तो इस प्रकार से फिर दंगे होंगे, क्योंकि सेपरेशन ही तो हुआ ना। अगर लार्जर पिक्चर में देखो, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ और उसमें कितना दंगे वगैरह हुए, तो ये बोल इनको ये डर लग गया कि अरे यार, हम स्टेट को इस प्रकार से अगर सेपरेट कर देंगे तो फिर से दंगे ना हो जाए, तो इनको ये डर था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर जब इन्होंने कैंसिल किया तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक एक लीडर था, क्या नाम था उसका, पोट्टी स्वामी करके एक था। हाँ पुट्टू स्वामी नहीं है ये पोट्टी स्वामी। हाँ वो एक, कौन सा था, नहीं पोटी रामलू था यार, पोटी बिल्कुल सही लिख रहे हो, पोटी रामलू रामालू ऐसे। तो ये जो थे, तो ये अनशन पे बैठ गए और इनकी हो गई डेथ। और जब इनकी हो गई डेथ तो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया कि यार हमारा लीडर जो है वो बैठा हुआ था, डिमांड कर रहा था, तो वायलेंट हो गया ये पूरा मामला। तो फिर इवन जब ये नेहरू जी विजिट करने आए, सभी लोग लीडर्स विजिट करने आए, तो इनको ब्लैक झंडे दिखा दिए कि भगो यहाँ से। फिर इन्हें बोला कि नहीं यार कोई बात नहीं, अब अपन एक काम करते हैं, स्टेट्स को मतलब आपको जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर देते। तो ऐसे करके स्टेट डिवाइड हुई। अब जब स्टेट डिवाइड हुई तो इश्यूज तो होंगे भाई, हर एक स्टेट चाहेगी कि नहीं वो मेरा एरिया वो है, राइट। तो ये सेम चीज हुई कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, तो ये डिस्प्यूट हुआ। और ऐसी डिस्प्यूट आसाम का याद करो, जब आसाम स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलता है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी है, आसाम को काट काट कर जो है बनाई गई है, इसलिए तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिस्प्यूट चलते रहते हैं बहुत ह्यूज। सो महाराष्ट्र क्लेम करती है कि बेलगावी का पार्ट जो है वो उसका है, वो मराठी, वहां पर मराठी भाषा बोली जाती है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसलिए बेलगावी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दो। फिर 1966 में केंद्र सरकार ने एक महाजन कमीशन बनाया, कमीशन का नाम याद रखना महाजन कमीशन, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक और केरला के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने से रिलेटेड था, महाजन कमीशन। इस कमीशन ने मतलब हाँ सिर्फ स्पेसिफिकली इन स्टेट्स के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। फिर कमीशन ने, देखो क्या होता है कमेटी या कमीशन, जैसे कि आप जब ऑफिसर बनोगे तो आपका आपकी कमेटी जब बनाई जाएगी, जब आप किसी मुद्दे पर काम करोगे, राइट, कि कोई एक इशू है, राइट, कि जैसे कि आपको जो है वो अपनी सिटी से जो है वो स्मगलिंग को जो है वो खत्म करना है, तो स्मगलिंग को लेकर एक कमेटी बनेगी। तो कमेटी जो होती है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है, राइट। सो कमीशन ने रिकमेंड किया कि बेलगम और 247 गांव जो है वो कर्नाटक के साथ रहेंगे, और महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को, राइट। और महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 2004 में। फिर यूनियन होम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करी दोनों स्टेट के, और कहा उनको कि अरे एक 6 मेंबर की टीम बनाते हैं जिसमें 3 मिनिस्टर्स होंगे एक दूसरे साइड से, और पूरे आपके बाउंड्री इशू जो है उसको रिजोल्व कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये बैठ के एक फोरम क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का आपस में स्टेट्स के बीच में। फिर दोनों स्टेट्स जो है वो अब टस्से मस नहीं हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हमें चाहिए, राइट, कि कोई नहीं छोड़ता ना भाई। आप खुद देखो ना, आप अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे यार छोड़ तो देना चाहिए, क्या दिक्कत है, आप अपने घर का एरिया कोई छोड़ोगे, आप अपने पड़ोसी को दे दोगे घर का एरिया कोई, अच्छा तो वो वाली चीज है। नहीं, समटाइम्स पीपल थिंक दैट कि अरे नहीं यार क्या मतलब इतना लड़ाई झगड़ा करने का, दे दो ना एक को, एक कॉम्प्रोमाइज कर दे दोनों में से, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा भाई। और कभी ये इंटरव्यू में मत बोल देना कि कॉम्प्रोमाइज करना है, कभी नहीं बोलना है, क्योंकि उस बीच में तो क्या होगा, उस बीच उनको लगेगा कि अरे यार आप तो हमारे रिसोर्सेज को गिव अप कर दोगे इस तरीके से, मतलब क्योंकि जैसे कि कल को कोई फॉरेन कंट्री आया और बोले कि इंडिया का ये पार्ट हमें चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अरे हमें डिस्प्यूट नहीं करना, ले जाओ, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं ना।
बट सर है तो इंडिया का ही पार्ट ना। नहीं 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 भाई जी, आप ये क्यों नहीं समझ रहे, है तो फेडरलिज्म भी तो कुछ चीज होती है ना। हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म चलता है, हमारे यहाँ सेंटर की पावर से अलग है, स्टेट की पावर से अलग है। स्टेट इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट करता है, सेंटर भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। तो ऐसे थोड़ा है कि आप किसी को भी जो है वो इस प्रकार से गिव अप कर सकते हो, अपनी टेरिटरी जो है वो दे सकते हो। नहीं दे सकते, क्यों दोगे? एनीवेज अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये सब डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है आसाम मेघालय, आसाम नागालैंड, आसाम मिजोरम। देखो आसाम के साथ ही है, हाँ लैंड बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि आसाम से ही निकले ना। अभी अपन ने बात करी, आसाम से ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स निकली हैं। ठीक है, कैसे बनेगी यार हमारी कंट्री के अंदर एप्पल गूगल फिजर जैसी कंपनी बड़ी बड़ी? क्या करें हम ऐसा कि हमारी कंट्री के अंदर ये एप्पल गूगल जैसी कंपनी बनना शुरू हो जाए? जो जो स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं थी वो देखने के बाद तो हर एक इंसान ये सोचेगा कि हाँ भाई वो बना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत खराब है, अच्छा मतलब पहले दूसरी से तो बच्चा पूछता रहता है। ऐसा आप बोल रहे हो, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है बहुत ज्यादा, राइट? इंटरव्यू पैनल के सामने, और हमारे यहाँ के ही जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो एप्पल गूगल में काम कर रहे हैं। बजट बढ़ाया तो चलो देखो, एक हम लोग को ये कंपनी है जोहो, बेसिकली ये टेक कंपनी है। तो इनके सीईओ हम लोग को वेम्बू देखने को मिलते हैं, श्रीधर वेम्बू। तो इन्होंने ट्विटर में जो है वो ये चीज एक्सप्लेन करी कि कैसे इंडिया जो है वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, सैमसंग, होंडा, बोइंग जैसी। तो दो चीजों पर इन्होंने बात करी, एक तो एडवांस नो हाउ और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट केपेबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च नो हाउ छोड़ो, क्योंकि मतलब नो हाउ इज ऑल्सो रिसर्च, कि जानो उसको और कि कैसे करें, मतलब अल्टीमेटली इनोवेशन, कि ये सब कंपनीज बड़ी कैसे बन रही है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन इनोवेशन, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप हम अपनी कंट्री के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे, इनोवेशन पर इन्वेस्ट करोगे, तो यू विल गोइंग टू ग्रो, राइट? तो ये चीज है। ठीक है, बस छोटी सी बात थी। अब ये टेलीस्कोप के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर वेब टेलीस्कोप ये लॉन्च हुआ 1 साल पहले ऑन अ मिशन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन द वेवलेंथ नो ह्यूमन आई कैन सी। तो 1 साल पहले, पहला पॉइंट, 1 साल पहले जो है ये मिशन लॉन्च हुआ, और किस ऑब्जेक्टिव से ये लॉन्च हुआ, कि यूनिवर्स में ऐसी वेवलेंथ जो हमें देखने को मिलती है उसको डिटेक्ट करना जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर रही। तो ये टेलीस्कोप भेज दिया गया, राइट? इसके अंदर प्राइमरी मिरर 21 फीट का हम लोग को देखने को मिलता है, और वेब जो है वो 7 टाइम्स पावरफुल है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, जो कि इससे पहले भेजा गया था। तो आपको तो ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट्स है, आपको यहां से चीजों को ध्यान में रखना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। नासा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपियन यूनियन, और तीसरा कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि कैनेडा। तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन और कैनेडा, इन तीनों की स्पेस एजेंसी के बीच में कोलैबोरेट करके जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो भेजा गया। ये टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करता है, राइट, जो कि ह्यूमन आई जो है वो नहीं देख सकती इंफ्रारेड लाइट, और ये कॉस्मिक हिस्ट्री की हर एक फेज को जो है वो डिटेल में स्टडी करता है। मतलब कुल मिलाकर स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये यूनिवर्स बना कैसे, ब्रह्मांड कैसे बना, तो उसको इन लोग को वो कर रहा है। तो मिशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, इन्वेस्टिगेट जो है वो करना एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की अलग अलग फील्ड में, राइट? ये हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स जो है वो कैसे बना है, कैसे ये हमारा सोलार सिस्टम बना है, लाइफ के साइंस और कहीं और भी दूसरे प्लैनेट्स में है क्या, तो उसको ये स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा एटमॉस्फेयर, एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स कौन से प्लैनेट होते हैं? किस प्लैनेट को हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं? हाँ बताओ तो। मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनर प्लैनेट, और ये आउटर प्लैनेट ही होगा, और सोलार सिस्टम के बाहर एक्सो प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट एंड एक्सो प्लैनेट।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके रिकॉल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है क्लियर। अब हम लोग को कैग की एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो इन्होंने ऑडिटिंग करी है रिपोर्ट को, और ऑडिटिंग के बाद इन्होंने ये बताया है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उस पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो सही तरीके से प्लास्टिक वेस्ट पर काम नहीं कर रही है। और आज की डेट में आपको ऑलरेडी बताया कि प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है कि ना वो डिग्रेड होगा, बायोडिग्रेडेबल, वो अगर आप उसको मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी खराब कर देगा, आप उसको जलाओगे तो हवा एनवायरमेंट जो है वो खराब कर देगा, एयर पॉल्यूट जो है वो कर देगा। तो मतलब आप उसको नष्ट करोगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डैमेज होगा ही होगा, तो इसलिए उसको रिसाइकल करना इज द बेस्ट ऑप्शन, तो वो भी नहीं हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कलेक्शन, अब प्लास्टिक जो है जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो भारत जानवर वगैरह उसको खा लेते हैं और मर जाते हैं, राइट? चोकिंग हो जाती है जानवरों को और फिर वो मर जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि लोग बाग जला देते हैं, पन्नी जला दी, राइट? तो उससे कितना पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। और फिर ऐसी समुद्र में चला जाता है, अगर कोस्टल एरिया में है तो समुद्र में चला जाता है, तो ओशन में डैमेज कर रहा है ओशन को, राइट? सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इट हैज नो एक्शन प्लान, बोल रहे हैं कि इनके पास कोई भी एक्शन प्लान नहीं है, और इसी के कारण प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव हो रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लागू नहीं किया जा रहा। और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन काफी सारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर और स्टेट के और मिनिस्ट्री के बीच में वो लैक कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं ना कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बोर्ड्स बनते हैं, तो ये सब काफी सारे बोर्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, मिलकर काम नहीं कर पा रहे, उसमें लैकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई भी यूनिफॉर्म मेथड जो है वो असेसमेंट का नहीं है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है एक स्टेट के अंदर तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं आप बना पा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका इशू है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो फ्रेम किया वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा है और ना ही उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। रूल्स में ही इस चीज की कमी है, मतलब रूल्स के अंदर आपने मेंशन ही नहीं किया कि इसको कब कब मॉनिटर करोगे और कौन इसको मॉनिटर करेगा, तो ये भी लैक करता है। एक्शन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए क्या लिए हैं तो और क्या लिए जाए, तो स्ट्रेटेजी जो है पहली बात तो बिहेवियरल चेंज, लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि पब्लिक जो है अगर डस्टबिन में नहीं फेंक रही है सामान को तो डिफिकल्टी होगी, कचरा जो है वो रहेगा और उसके बाद फिर जो वर्कर्स आएंगे उनके लिए भी डिफिकल्टी उसको कलेक्ट करना, कहाँ तक वो कलेक्ट करेंगे, तो इट इज बिहेवियरल चेंज। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट लोग बाग भी जो है, अच्छा मैंने आपको 4R के बारे में बताया था, 4R कौन से जरा बताओ। रिफ्यूज आ गया, पर आखिरी में रिफ्यूज क्यों आ रहा है? पहले तो रिफ्यूज, राइट, की मना कर दो कि हमें प्लास्टिक वेस्ट जो है वो नहीं लेना है, ठीक है? फिर अगर ले भी रहे हो तो कम मात्रा में रहो, रिड्यूस, ठीक है? और फिर पहले रिफ्यूज किया, फिर रिड्यूस किया, चलो फिर भी ले लिया तो रीयूज, कि उसको बार बार उपयोग करो, एंड फिर रिसाइकल, रिसाइकल इज द एंड ऑफ लाइफ ना, तो इस पैटर्न में लिखना है आपको, राइट? पहले आएगा रिफ्यूज, फिर आएगा रिड्यूस, फिर आएगा रीयूज, फिर आएगा रिसाइकल, तो इसी पैटर्न में लिखना आप लोग। तो बिहेवियरल चेंज, फिर इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम कलेक्शन का उसको स्ट्रेंथन करो, क्योंकि कलेक्ट होंगी चीजें तब जाकर तो प्रोसेसिंग होगी उसकी, तब जाकर तो रिसाइकल होगा, है ना? फिर सेग्रीगेट करना, क्या होता है ये सेग्रीगेशन? गीला कचरा सूखा कचरा, देखा है ना, गाड़ी आती है तो उसमें गीला कचरा अलग रहता है, सूखा कचरे के लिए अलग बॉक्स रहता है। तो बेसिकली सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ कलेक्शन इटसेल्फ, जब कलेक्ट करोगे तभी सेग्रीगेट कर दोगे तो इजी रहेगा आगे जाके प्रोसेसिंग करने में, है ना? इसका क्या मतलब है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी? यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक एक कंपनी है वो अगर कुछ प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके ऊपर अभी तो ये मैंडेटरी नहीं बनाया इसको, ये भी वॉलेंट्री है कि वो कंपनी जो है वो वॉलेंट्री बेसिस पर जो उसने जो है वो कचरा किया है वो कचरा जो है वो कलेक्ट करे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू कलेक्ट द वेस्ट,
क्योंकि जो उसने वेस्ट मार्केट में किया है उसको कलेक्ट करें। गंदगी छोड़ना नहीं है, गंदगी इट मींस लाइक कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में भी काफी सारे वेस्ट होंगे राइट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मोबाइल फोन वगैरह हुआ, प्लास्टिक्स वगैरह हुआ, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि वो जाकर उसको कलेक्ट करे, कलेक्ट इन द सेंस कि इनको मतलब वापस अपनी डिवाइसेस वापस ले, उसको रिसाइकल करवाए या दूसरी चीजों को वापस ले कि जैसे कि एनवायरमेंट को उसने जो डैमेज किया उसको वो कंपनसेट करे। नहीं होना शुरू हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने चालू कर दिया करना। इवन जैसे कि ये एप्पल कंपनी की बात करें तो इनके जितने भी आजकल डिवाइसेस वगैरह जो आ रहे हैं वो कम्प्लीटली रिसाइकल है, इसमें एल्यूमिनियम भी जो लगा है वो कम्प्लीटली रिसाइकल वाला है, पर टोटली आप उसको रिसाइकल जो है वो कर सकते हो, तो वो चीज़ है, तो कर रही हैं कंपनीज। एंड जस्ट बिकॉज कि उनको जो है वो एक मार्केट में भी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिले, और अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस भी क्रिएट करती है ना, इससे अपने आप को प्रमोट भी करती है कि हम जो है एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं राइट, तो वो चीज़ है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है पता है आपको, बट फिर भी मार्केट में मिलता है, चलता है, ठीक है। अब दूसरी कंट्रीज जो है वो कैसे डील कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक से, सो इस साल 124 कंट्रीज और जो पार्टीज हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने एक रेजोल्यूशन साइन किया टू ड्रॉप एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो है ये बनाएंगे विच विल इन द फ्यूचर मेक इट लीगली बाइंडिंग फॉर द सिग्नेटरीज टू एड्रेस द फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। मतलब इन्होंने सिंपल सी चीज ये कही है कि फोकस इस चीज पे किया जाएगा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो उसकी पूरी लाइफ तक जो है उसको अच्छे से यूज है वो करो, उसके बाद फिर फाइनली उसको रिसाइकिल करके उसको डिस्पोज करो राइट। तो 68 कंट्रीज है उन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया। बांग्लादेश की बात करें तो ये पहली कंट्री हमें देखने को मिल रही है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को 2002 में बैन कर दिया था। चाइना ने भी बैन लगा दिया था प्लास्टिक बैग्स के ऊपर 2020 में फेज मैनर में। यूरोपियन यूनियन ने सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया और अल्टरनेटिव्स अवेलेबल करवा दिए राइट। हाँ हो गया ना इंडिया में, मैंने अभी बताया था ये देखो 1 जुलाई 2022 से नहीं बैन हो चुका है, लीगली बैन हो चुका है, इलीगल चल रहा है सब जो भी चल रहा है, चलान अभी भी काटती है, अभी भी काटती है। उसमें भी कमाई करते हैं लोग, पन्नी का पहले दुकानदार पैसा नहीं लेता था, पेपर बैग के 5 रुपए लेते हैं वो लोग। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 में बनाई गई थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू राइट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत पावर्स और फंक्शंस इसको प्राप्त है, ठीक है। अब आ जाओ अब किस पर फोकस करते हैं, बताओ कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, राणा जी ने करेक्ट आंसर दिया और शिवानी जी ने, निधि जी ने, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, डी तेलंगाना में होता है ना फेस्टिवल, डी। अब बताओ जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है किसके बीच में, कौन से तीनों, जापान नहीं है, नहीं जापान नहीं है, पक्का पक्का, नासा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, 19th का ए करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब सभी का। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताओ, अभी बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी है,
तीनों सही है। डी। और कोई 20 का? अच्छा महक जी भी डी बोल रहे हैं क्या? ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया है 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आया है, सोचो एक बार। एक आ जाओ, कंफ्यूजन दूर करें। लिखा हुआ था यूनाइटेड नेशन कहाँ से पहुंच गया? हमारे देश का कानून है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सो इसके अगर इन दोनों को जो है वो देखा जाए तो ये एयर एक्ट 1981 करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है, राइट? तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, 1 एंड 3 ओनली। वेरी गुड। अब बताओ, साइड से दिख तो नहीं रहा था आंसर? दिख रहा था क्या? नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? पता है आपको काम क्या होता है कैग का? सरकार के जितने भी काम होते हैं, राइट, वर्क्स वगैरह सरकार के, तो उसकी ऑडिटिंग करते हैं कैग, राइट? ठीक है, तो 21 का डी करेक्ट आंसर है। तीनों ही बिल्कुल सही है। तो कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डेफिनेटली मेंशन्ड है। कैग हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। इनकी ड्यूटी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, सही रहना, बनाए रखना, राइट, और कानून जो है पार्लियामेंट के उसको बनाए रखना इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन कैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्या कैग को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? क्या ये गार्जियन है पब्लिक पर्स के और कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हमारी कंट्री के? क्या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। अब एक और कैग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ट्वेंटी थ्री का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि सब कुछ जो फाइनेंशियल रिलेट कर रहे हैं तो ये मनी भी रिलेट करते ही होंगे। तो फर्स्ट वाला क्या? सेकंड फर्स्ट वाले में डाउट है सेकंड में तो श्योर हो गया सेकंड में करेक्ट करेक्ट है, मनी बिल को सर्टिफाई करता है। ये जो फाइनेंशियल बताओ भैया, किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो, ये गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ना कि एस्टीमेट कमेटी। ये फैक्ट ध्यान में रखना। सेकेंडली, मनी बिल को कौन सा बिल हो, मनी बिल होगा या नहीं भी होगा, स्पीकर डिसाइड करेगा ना। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, राइट? डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्पीकर लोकसभा की सर्टिफाई करता है। अब ये क्वेश्चन एक और, सेकंड सेकंड ये सही है, पहला इनकरेक्ट है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अब देखो, पहले वाला तो गलत है ही, वो क्यों जो है वो गलत है उसके बारे में आप पहले बता देता हूँ कि इंटर स्टेट काउंसिल हम लोग को ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये थोड़ा लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसलिए काउंसिल बनाया, काउंसिल इसलिए बनाया जा रहा है कि आपस में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो क्रिएट किया जाता है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा, बिल्कुल गलत है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो, हाँ सुप्रीम कोर्ट
नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है वो स्टैचुटरी कानून के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, ना कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, चलो फिनिश हो गया कितने ये क्वेश्चंस वाला, से पता उसमें? नहीं 24, 18 से 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 क्वेश्चन। टॉपिक्स कितने थे आज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या नहीं पढ़ाया था आज ही पढ़ाया? अरे ये क्या लिखा है यार? टेस्ट के लिए हार आना चाहिए। मैं बोल रहा था कि टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स का टेस्ट जो होगा आपका नेक्स्ट वीक, अपन रखते हैं एक टेस्ट नेक्स्ट वीक चलेगा? क्यों, नेक्स्ट मंथ चलेगा? अगले नहीं, वो तो पहले साल? नहीं, पहले बोल रही हूँ, पहले कब पहले? बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा बाद और नेक्स्ट मंथ से पहले। तो वो भी है कि अरे करंट अफेयर्स का ऐसे ही नहीं है वो, यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट की बात कर रहा था मैं। बाकी आप लोग का तो एक दिन रैंडम टेस्ट उठाऊंगा मैं एनसीईआरटी का। चलो साइन ऑफ कर दें। जय हिंद।